और अपने बिहार में अब तक कुल संख्या हुई है जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई है 5,364 और इसमें से 2,542 संक्रमित मरीज ठीक हो गए। और ये जो संख्या भी हम बता रहे हैं 5,364 आज का 3 बजे दिन का लेटेस्ट, इसके पहले दिन में मीटिंग थी इससे भी कम था, वो सुबह 10 बजे का, कल कर रहे थे तो उसमें कम था, 5,000 के भी नीचे था। लेकिन ये जो जांच करवा रहे हैं हम लोग और संख्या बढ़ रही है तो ये तो बढ़ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं लेकिन सचेत रहने की जरूरत। हमने इसलिए कहा कि और अब अभी वर्तमान में 2,542 तो संक्रमित लोग ठीक हो गए, 2,791 लोग अभी भी एक्टिव हैं। ये जो नए नए लोगों को मिलता रहता है बाहर से आने वाले लोगों में ही सबसे ज्यादा मिला है, 3 मई के बाद जो बिहार लौट करके आए हैं बाहर से उसमें 3,850 व्यक्ति, 3,850 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये स्थिति है, तो अब इसके बाद सचेत रहने की जरूरत है। अब शुरू में तो लॉकडाउन करके सबको बंद किया गया, अब वो कितना दिन तक चलता, तो अब उसके लिए सब लोगों को जागरूकता के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अभी तो हम लोगों ने 3 तारीख को मीटिंग किया और सब जगह सब यहां मीटिंग करके इसके माध्यम से हम लोगों ने बातचीत की है जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि वहां तक सरकार की तरफ से, और एक एक अभियान के लिए और सरकार की तरफ से लाउडस्पीकर वगैरह से भी प्रचार, पोस्टर भी लगाया जा रहा है, विज्ञापन भी, ये सब बात है। लेकिन लोगों को हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इसके लिए सतर्क रहना है। और क्या सतर्कता है एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ी बात है घर से निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना होगा। अब हम लोग देखिए गमछा पहने हुए, गमछा रखे हुए हैं, पहले कभी देखे थे गमछा रखते हुए, गमछा रखे हैं तो इसको जो है इस तरह से बाहर निकले तो नाक को लगाए और मास्क रखिए। हर गांव में हर परिवार को 4 मास्क और उसको साबुन का इंतजाम करवाया गया है राज्य सरकार की तरफ से पंचायतों के माध्यम से, और दूसरा चीज शहरों में भी ये काम करवाया जा रहा है। तो मास्क को पहनना चाहिए, अगर घर से बाहर निकले अकेले हैं तो कोई बात नहीं, कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करिए। अब शुरू में यह बात नहीं थी जान लीजिए, जब मार्च महीने में इसके बारे में जानकारी मिली और हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने सभी दलों से विजय बाबू ने बात करके तय करवा दिया 16 तारीख को ही मार्च में बजट सेशन, बजट पास करके अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया लोक विधानसभा और विधान परिषद, और उस समय ये जो हम लोगों को बताया गया था कि मास्क बीमार को पहनना चाहिए और बीमार के इलाज करने वालों को पहनना चाहिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में यह पता चला कि मास्क तो सबको पहनना चाहिए, और यह बाद में पता चला हमको भी, और यह जो देखा गया है जापान वगैरह जो सामान्य स्थिति में भी कोई बीमारी न हो इसके लिए मास्क पहनते हैं बाहर निकल करके। और हम एक बात आपको बता दें, हम बोध गया जब भी जाते हैं और वहां पर बाहर के लोग जो आते हैं तो देखते हैं उन लोगों को कि नाक को बंद किए हुए रखे हुए हैं मुंह पर, तो ये बात चली है कि नहीं मास्क को का इस्तेमाल करना चाहिए। तब एक बात तो ये है कि मास्क रखिएगा, जब घर से बाहर निकलते हैं किसी के सामने आते हैं तो जरूर करिए, और दूसरी चीज है एक दूरी बना करके रखिए, 2 मीटर 2 गज की दूरी बनाइए। अब यहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यहां पर सब नेता लोगों को हम लोगों को साथ बैठे हुए देख लीजिए, सब लोग 2-2 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर है, तो नजर आ रहा होगा आप लोग देख रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि इस बात का ख्याल रखिएगा, और दूसरी बात है हाथ की सफाई करते रहिएगा। तो ये चीज जो 2-3 चीज है, और एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया लेकिन 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, 10 साल तक के उम्र के और उससे कम उम्र के बच्चे और बच्चियों को, और जो किसी अन्य बीमारी से गंभीर रूप से ग्रस्त हैं, 4 प्रकार के लोगों को अकारण घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, विशेष परिस्थिति में खास, नॉर्मली सामान्य रूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है सबसे अधिक प्रभावित इन्हीं लोगों को कर देगा।
और अगर कोई अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त रहते हैं उनको जो कोरोना वायरस धरता है वही मृत्यु के शिकार होते हैं। बिहार में 31 लोग मरे हैं तो अधिकांश लोग वही हैं जो अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं और उनको भी ये हो गया। इसलिए ये इस बात के लिए यानी मास्क का इस्तेमाल करिए, एक दूसरे के बीच में आपस में दूरी सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ वगैरह की सफाई करिए और चार तरह के लोगों में ये जागृति लाइए कि अकारण घूमने की जरूरत नहीं। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियां और अन्य प्रकार से जो अन्य प्रकार से बीमार लोग हैं उनको नहीं जाना है। तो ये चीज खुद इस अवेयरनेस के बारे में सजग रहिए, खुद तो जागरूक रहिए, सिर्फ अपने परिवार नहीं अपने जितने भी इलाके के लोग हैं सबके साथ बातचीत करना, गांव हो, कस्बा हो, जहां कहीं भी हो, मोहल्ला हो, और इसके बारे में लोगों के बीच में ये बात करके लोगों को प्रेरित करना ये बहुत जरूरी है। ये सब करने से ही कुछ ठीक रहेगा। तो एक बात तो ये आप समझ लीजिए। और कितना दूर तक ये सब किया गया है, हम लोगों ने यहां पर इंतजाम किया है। अब तो चूंकि अब बाहर से आने वालों की संख्या खत्म हो रही है, बहुत कम लोग बचे हैं जो भी क्वारंटाइन सेंटर में है, अंदाज है कि 15 तक फिर क्वारंटाइन सेंटर आगे चलाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई कोरोना वायरस के शिकार हो जाएंगे तो उनको सुरक्षित करने के लिए आइसोलेशन सेंटर बना करके हम लोग रखें, और उनका अगर इलाज की जरूरत है, साधारण इलाज की जरूरत है, तो वो जाएंगे अनुमंडल स्तर पर, कुछ अस्पताल को इस तरह से किया गया, और बहुत गंभीर हो जाएंगे तो 3 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंतजाम किया गया। पटना में एक है नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, गया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, एक एक चीज का इंतजाम करके रखा गया। अभी उतने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन हम लोगों ने भविष्य के लिए भी किया है और इसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अरे कोरोना की जो जांच होती है उसकी जांच की शुरुआत तो कोरोना के आने के बाद यहां शुरू हुआ, अब उसकी संख्या कितनी बढ़ रही है, और हमने लक्ष्य रख दिया है कि एक दिन में 10,000 लोगों की जांच करवा। तो ये सारा काम किया जा रहा है, और आप सब लोगों को इस बात के लिए अवगत करा देना। और जो लॉकडाउन के दौरान हर प्रकार का मदद हम लोगों ने किया, किस किस तरह का काम नहीं किया, सभी राशन कार्डधारियों को 1,000 रुपया, जिनका राशन कार्ड नहीं बना था राशन कार्ड बनवाया जा रहा, सारा काम किया जा रहा है। और पहले से जिसके लिए राशन कार्ड को अस्वीकृत कर दिया गया था, हम आपको बता देना चाहते हैं कि 10,21,000 लोगों को स्वीकृत किया गया, और जीविका समूह के माध्यम से गांव में और बाहर शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से किन किन लोगों का राशन कार्ड नहीं है यह पता करके उसकी संख्या निकली है 22,00,000 लोगों को। तो इन सब लोगों के लिए राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया जारी है, और अब तक 14,44,000 नए राशन कार्ड बना दिए गए, और हम लोगों ने केंद्र सरकार के ये जो मंत्रालय है इसको भेज दिया है, और हमारे जो मंत्री हैं 2-3 बार लिख चुके हैं कि साहब आबादी बढ़ गई है इसलिए राशन कार्ड धारियों की संख्या ज्यादा होगी। तो उनको कहा जा रहा ये पुरानी आबादी 2011 की आबादी के आधार पर संख्या तय है, उससे काम नहीं चलेगा, अब उससे आप 9 साल आगे 2020 में तो संख्या तो बढ़ेगी, इसलिए कहा गया है कि आप सबको राशन कार्ड के लिए इंतजाम दे दीजिए। हम राशन कार्ड दे रहे हैं, राशन कार्ड के लिए केंद्र सरकार से ही मिलता है अनुदान, मिलता है 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल का इंतजाम है, तो हम लोगों ने भेज दिया है कि हो जाना चाहिए हमारे बाकी राशन कार्ड धारियों का। बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उनको अगर राशन कार्ड दे उनका भी राशन कार्ड किया जा रहा है, लेकिन यह भी तय कर दिया है कि अगर वहां से नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, तो राज्य सरकार अपनी तरफ से नए राशन कार्ड धारियों को अनाज उपलब्ध कराएगी, यानी सरकार अनाज लेकर के 2 रुपया किलो जो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल का व्यवस्था करेगी। ये सब दूर तक हम लोग किए हुए हैं और सबके लिए, और बहुत बार हम लोगों ने चर्चा की हर जगह ये सारे तरह से, और कई प्रकार के लोगों को सहायता दी गई।
और एक बात और बता देते हैं, चर्चा करिएगा, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बात करते रहता है, उससे कुछ बयान देता रहता है रोज, लोगों की आदत है बयानबाजी करने की, हम लोग बयान देते हैं, हमको कहता है कि बाहर नहीं निकले। अरे क्या है, लॉकडाउन लागू है और जब पूरे देश में कहा जा रहा है नहीं निकलना है, तो काम ना हम लोग कर रहे थे, प्रतिदिन एक एक चीज की समीक्षा, पूरे बिहार के लोगों से संपर्क और सारा काम कर रहे, खुद कहां रहता है भाग करके, इसका कोई ठिकाना नहीं है, पार्टी के लोगों को भी पता नहीं है, हम ही लोगों पर बोलता है, क्या क्या बोलता रहता है अखबार में बयान देके। अला बताइए, जब एक बार लागू कर दिया गया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन लागू किया गया, सबको कहा जा रहा है घर से मत निकलो बिना मतलब के, तो घर से बाहर निकलेंगे, लोग कैसा उल्टा पुल्टा काम करने की कोशिश किया। लेकिन जरा दौड़ पूरे तौर पर देख लीजिएगा, हम लोगों को भी पूरी जानकारी है, लोग जितने लोग बाहर से आए हैं पीड़ित हैं, चंद लोगों को छोड़ करके, कुछ लोगों का दिमाग तो होता है ऐसा, इतने प्रकार का विवाद करने की कोशिश जगह जगह पर हुआ है, एक एक के बारे में रिपोर्ट हमने ली है, वो चंद सीमित लोग हैं जो कुछ लोगों का दिमाग गड़बड़ाया रहता है, वैसे लोग, लेकिन यह नहीं है, अधिकांश लोग, कुछ अपवाद हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को यह ठीक लगा कि बिहार सरकार की तरफ से काम किया गया, बिहार सरकार की तरफ से उनको मदद की गई, बाहर थे तब मदद किया गया, यहां आने पर मदद किया, लेकिन कुछ लोग तो बयानबाजी देते रहते हैं। इसलिए आपको हम इन सब बातों की जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि कितना ज्यादा हम लोगों ने इस काम को किया है और क्या हुआ है इस पूरे जगह में। पिछले बार जो लगा हुआ था, बाढ़ सुखाड़ हुआ था, उसके लिए तो काम किए, जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, 11 आइटम, एक है लगातार अभियान और 10 आइटम, ये सब काम हम लोग करते रहे, एक एक चीज। और इस बार भी आपको हम बता दें कि फरवरी महीने में वर्षा हो गई और उससे बहुत फसल का नुकसान पहुंचा, उसका आकलन हमने कहा कृषि विभाग ने करके भेजा, उस पर 60 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने आवंटित किया। मार्च महीने में 3 बार 3-3 दिन वर्षा हुई, उससे और ज्यादा नुकसान हुआ, तो उसका आकलन करके जो राज्य सरकार के ने मांगा उसके आधार पर 518 करोड़ रुपए की सहायता किसानों को देने के लिए आवंटित किया। और फिर अप्रैल महीने में भी वर्षा हुई, उसका भी पता किया गया कि जो नुकसान हुआ उसके लिए 151 करोड़ से भी ज्यादा रुपए, आप समझ सकते हैं इतना, 700 करोड़ रुपए से ज्यादा, 730 करोड़ रुपए करीब हम लोगों ने इतना इंतजाम किया सब लोगों के लिए, और एक एक काम के लिए करते हैं। क्या होता था भाई, जरा नई पीढ़ी के लोगों को और सबको और आप लोगों को याद करिए कि 2005 तक कुछ होता था तो किसी को कुछ मिलता था जी, कुछ मिलता था, कहता था 25 किलो अनाज मिलेगा और भी उसका भी तय हो पाता था कभी। और बताइए 2007 से जो हम लोगों ने आपदा के लिए काम किया, सबके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया कि कब किस स्थिति में क्या करना, हमने प्रारंभ से ही कह दिया कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है और इसके लिए काम कर रहे हैं। आई कोरोना वायरस को भी आपदा मान करके केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के मुताबिक सब काम किया, हम लोग उसी को मान रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सारा काम हम लोग कर रहे हैं। एक एक आदमी जो क्वारंटाइन सेंटर में, जो आपको बता दिया कि 15 लाख से भी अधिक आदमी बाहर से आने वाले, ट्रेन से ही आने वाले 20 लाख से भी ज्यादा है, अन्य प्रकार से भी कुछ लोग आए, सब प्रकार से आए, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में जिनको रखा गया 14 दिन तक, एक व्यक्ति पर राज्य सरकार ने 5300 रुपया खर्च किया है। आप जरा कल्पना कर लीजिए, 14 दिन रखना, खाने पीने, उनके इलाज सब तरह का, उनके कपड़ा के लिए कौन सा काम, बर्तन के लिए, पार्टी के लिए कौन कौन सा काम नहीं किया गया, हर प्रकार का इंतजाम करके और सबको दिया गया। और उसके अलावे जो क्वारंटाइन सेंटर को चलाया जाता है उसके लिए अन्य प्रकार का जो खर्च होता है, और जो बाहर से आए या आने के बाद उनको आने का खर्च प्लस 500 रुपया और न्यूनतम 1000 रुपया का हमने निर्णय लिया। तो आप समझ लीजिए, एक आदमी पर
5300 रुपया का हम लोगों ने व्यय किया है और कर रहे हैं। तो इस तरह से काम किया जाता है तो कुछ लोग तो ऐसे ही बोलता है। एक बात आप जान लीजिए, इन सब चीजों पर एक तो रखिएगा और दूसरी चीज जान लीजिए, कुछ लोगों का बयानबाजी अपना अपना चलता है ना। कुछ आदमी हमसे बड़ा खिलाफ हो गया, बहुत खिलाफ हो गया, और कुछ जो अपने को पढ़ा लिखा मानता है वैसे चंद, सभी नहीं चंद लोग, किस लिए जानते हैं, शराबबंदी जो लागू किया, महिलाओं की मांग पर जो हमने 2015 में ऐलान किया कि अगली बार सरकार में आएंगे तो लागू करेंगे, और लागू कर दिया 2016 के अप्रैल 1 से लेकर के 5 तक के बीच में पूरे बिहार में, और उसका कितना बड़ा असर है, महिलाओं को कितना लाभ मिला, युवाओं को कितना, युवतियों को कितना लाभ मिला, कितनी खुशी है, सब तरह की बात। लेकिन चंद लोगों को बड़ा बुरा लगता है, हम तो बता दिए हैं कुछ लोग हैं, यही लोग जो हमारे शराबबंदी के कारण परेशान है, और जो हमने शराबबंदी लागू किया है, बिहार के बाहर भी कुछ लोग अपने को मानते हैं तथा कथित इंटेलेक्चुअल, इसमें से भी कुछ लोग, सब नहीं चंद लोग, तो ये लोग भी पूरा का पूरा हम लोगों पर प्रचार करते रहता है। अरे हम काम करते हैं, और जब से बिहार के लोगों ने मौका दिया है, आप बताइए कोई पहले काम करता था, और आज हम लोग काम करते हैं। कौन सा काम नहीं किया है, हमारे साथियों ने आपको संक्षेप में जानकारी दी है, क्या स्थिति थी, शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलने का हिम्मत करता था, कितने सामूहिक नरसंहार होते थे, कितने सांप्रदायिक दंगे होते थे, कितने लोग मौत के शिकार होते थे, कितना को लूटा जाता था, क्या नहीं हो रहा था, कौन कौन सा काम नहीं होता था, फिरौती के लिए अपहरण होता था, याद है ना कितने लोगों का अपहरण होता था, अब फिरौती माल के लिए, पैसा के लिए अपहरण करता, क्या स्थिति थी, और पहले जो अपराध की स्थिति थी आज तक बोलते हैं, अब क्या स्थिति, अब कोई घर से निकलने में डरता है, अब रात को भी आता है कोई परवाह नहीं करता। एक तो आवागमन की सुविधा हो गई, कानून का राज कायम किया, सबके उद्धार की हमने कोशिश की है, समाज का वो तबका जो किनारे है उसके लिए और विशेष कोशिश की, महिलाएं हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, महादलित दलित हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, इनके लिए विशेष सबके लिए कल्याण किया गया।